आज ईद के बाद ये हमारा पहली मुलाकात है। आप सबको ईद मुबारक। बसवा जयंती हब्बा शुभाशयगळु। और अंबेडकर जयंती हब्बा शुभाशयगळु। और गुड फ्राइडे शुभाशयगळु। इत्तेफाक से कल ईद मिलन प्रोग्राम में एक साहब बोले, बसवा जयंती भी एक दिन चाहिए, ईद मिलन भी एक दिन चाहिए, या ईद उल फितर भी एक दिन चाहिए। तो ऐसा दिख रहा है अल्लाह का कुछ ऐसा इंतजाम है, चांद के तारीखों से ऐसा लाया हूं, दोनों मिल के आना ताकि नफरत का जो एजेंडा चल रहा है वो खत्म होना और यहाँ पे मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब मिलकर रहना। सुने सर, बसवा सर कल श्रीकांत स्वामी बोले, सब मिलकर रहना बोल के अल्लाह मियाँ ईश्वर बनाया करते। अब हमारी तारीफ पे करते हैं हम ईद, अल्लाह की तारीफ पे करते हैं। चांद एक दिन पहले नजर आता था, नहीं। अम्मा से एक दिन पहले नजर आता, नहीं। तो इस पे भी सोचना, तो हम सोच रहे हम चला रहा करके चल रही है, तुम देख रहा हूँ कैसा नफरत बढ़ रही है। अब वो नफरत इंस्टीट्यूट में कैसा आ रही है वो खत्म करना बोल के बसवा जयंती ईद उल फितर एक वक्त ही बोल के श्रीकांत स्वामी बोल रही मैं नहीं बोलूं। चलिए आज हमारी खुशी ईद के साथ दोबाला होती है। हमारे दरमियान एक हमारे मेंटर मुरब्बी और कर्नाटक के हद्दावर एक मजहबी समाजी नेता लीडर, जिनको अल्लाह ताला ने पूरे कर्नाटक में क़ियादत का मौका दिया है और जिनका ताल्लुक कोस्टल बेल्ट से है, मेरी मुराद है आज के चीफ गेस्ट मोहतरम जनाब अकबर अली साहब। ये सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका है। आप कोस्टल बेल्ट से रहने से आपकी कन्नड़ अच्छी है, उर्दू भी बोलते हैं लेकिन उतनी आप लोगों के जैसी दक्षिणी नहीं है। तो लेकिन दिलचस्प हम बोले तो आप हंसते हंसते अच्छा सुनते। और एक मेहमान हमारे यहाँ के बीदर शहर के जमात इस्लामी के अमीर इंजीनियर अब्दुल सत्तार साहब हैं, अमीर मुकामी हैं। मैं आज विजडम कॉलेज और इंस्टीट्यूट की जानिब से दोनों मेहमानान का इस्तकबाल करता हूँ और हमारे प्रिंसिपल साहब को दावत देता हूँ कि आप यहाँ आइए ताकि आपका इस्तकबाल भी किया जाए। और हमारे रिस्पेक्टेड टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और मेरे प्यारे मुल्क और कौम के रोशन मुस्तकबिल बनने वाले बेटे और बेटियों, सबको ईद मुबारक और सबका सौ स्वागत। मैं ये प्रोग्राम हमारा सिर्फ 45 मिनट का है क्योंकि आप नाश्ता नहीं करें, एक्टिव रहते हैं बोल के हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। 10:15 बजे छुट्टी हो जाएगी, 10:30 को आपके दूसरे प्रोग्राम है। तो आपका एक प्रोग्राम होगा, सैयद अली सर नहीं आए अभी, आ रहे। मैं प्रिंसिपल साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ। यहाँ अब हम वक्त ज़ाय करे बगैर प्रोग्राम शुरू करेंगे। जनाब अकबर अली साहब का तरीका ये होगा कि पहले आप आपके सामने कुछ बातें अपने ख्यालात रखेंगे, उसके बाद जो वक्त बचता है उसमें आपसे इंटरेक्शन सवाल जवाब कर सकते हैं। मोहतरम अकबर अली साहब बैठ के मौला
मुझे एमबीबीएस के रिजल्ट दिए। तो एक तो ये है कि इल्म आप यहाँ स्कूल में हासिल करते हैं, उसके बाहर भी इल्म हासिल करते हैं। मैं कुछ चीज़ आपके सामने रखता हूँ। राइट ब्रदर्स को आप सुने हैं? राइट ब्रदर्स क्या बनाया उन्होंने? क्या बनाया उन्होंने? क्लेम बनाया ना होता है। कहाँ से सीखा हुआ इल्म उन्होंने? उनको उसका दिलचस्पी किसमें है? ये बताया जाता है कि वो चिड़िया जो उड़ते हैं आसमानी दुनिया है ना, जो बरगलाते हैं और उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं अपने उंगली के जरिए, तो उसको ख्याल आया कि ऐसा एक चीज उड़ सकता है, इस अंदाज के साथ एक चीज उड़ सकता है। तो इल्म उन्होंने स्कूल से हासिल नहीं किया, कायनात से हासिल किया। राइट ब्रदर्स ने कायनात से हासिल किया। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप तालीम को सिर्फ स्कूल और क्लास के हद तक महदूद नहीं रखना, जहाँ से भी आपको इल्म मिलता है उसे हासिल करने की आपको कोशिश करना है। उसी के साथ जॉर्ज स्टीफनसन का नाम सुनेगा है ना? जॉर्ज स्टीफनसन सुने हैं नहीं? जो मिलीपीड है ना, जिसे चारंटे कहते हैं ना, चारंटे कहते वाला जमीन में चलता है कीड़ा, जो ट्रेन का इजाद किया, ट्रेन उगी बंडी है ना, ट्रेन जो गरीबों का क्या माना जाता है, उसे व्हीकल माना जाता है, गरीबों का व्हीकल है ना, जो वो जो पकड़ा वो उसमें बड़े लोग जाने वाला, ये जो है गरीब जाने वाला, जो ट्रेन को जो पकड़ा वो कहाँ से लिया उन्होंने, हासिल किया। वो भी कोई स्कूल या कॉलेज से नहीं सीखा था उन्होंने। जॉर्ज स्टीफनसन है जो कीड़ा जो चलता है जमीन में, क्या बोलते हैं उसको, मिलीपीड, चारंटे बोलते हैं, चारंटे कन्नड़ा में चारंटे बोलते हैं उसको, चारंटे जो ये अलग 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 पकड़े तो वो ऐसा चकली बन जाता है, चकली जलेबी बन जाता है। तो वहां से वो उन्होंने उसको सीखा, उसको सीखा है ना। उसके बाद में जो न्यूटन, न्यूटन का नाम सुने हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कहाँ से सीखा हो, एप्पल जो गिरा तो उसको मालूम हुआ कि वो यहाँ मिल गए। उसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो तलाश कर रहे थे खुदा का, मेरा पैदा करने वाला कौन है ना, तलाश कर रहे थे, तो कहाँ से उन्होंने इल्म सीखा? कुरान में बताया गया ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब रिसर्च करते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम रिसर्च करते हैं, उन्होंने जमीन के ऊपर भी रिसर्च किए होंगे मगर उसे कुरान ने नकल नहीं किया, हो सकता है। आसमानी दुनिया में उन्होंने क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, मेरा खुदा कौन हो सकता है ना। आसमानी दुनिया में तीन चीजों को उन्होंने देखते हैं, सूरज को देखते हैं, चांद को देखते हैं है ना, सितारों को देखते हैं, और वो क्या होते हैं, गुरूब हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो उसके बाद एक फैसला ये करते हैं कि डूबने वाला मेरा रब नहीं हो सकता। वो स्कूल से तो नहीं सीखे थे वो इल्म, उन्होंने कायनात को देखकर उन्होंने वो इल्म सीखे थे है क्या नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इल्म आपको में जितना मिलता है आपको उतना लेने की कोशिश करनी चाहिए, आपका जहन को वसी करना चाहिए, जहन बहुत वसी होना चाहिए इल्म सीखने के लिए, क्योंकि इल्म एक रोशन चिराग है। जिसके पास इल्म है उसका मतलब ये है कि जिंदगी में उसे रोशन चिराग मिल गया है ना। अगर थोड़ा इल्म हासिल करते हैं तो छोटा चिराग मिल गया, दूर तक आप नहीं देख सकते। अगर ज्यादा इल्म आप हासिल करते हैं तो आपको बड़ा चिराग मिल गया, बड़ा रोशन मिल गया है ना। सिर्फ बीदर नहीं, सिर्फ कर्नाटक नहीं, सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड देख सकते हैं, वर्ल्ड के बाहर देख सकते हैं, आसमानी दुनिया देख सकते हैं। इसलिए आपका जो सिस्टम जो है, माइंड सिस्टम जो है, आपको बहुत वसी करना चाहिए, आपका ख्वाब विजन ये तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, बहुत ऊंचा। ऐसा नहीं कि मैं जमीन पे चलूंगा, नहीं, मुझे पढ़ना है,
समझना है, आसमान को छूना है, ऐसा इल्म का आपको हजम करना है, उसके मुताबिक इल्म हासिल करने की आपको कोशिश करना है। तो एक बात ये, दूसरा पार्ट है ईद, है ना। हम ईद कैसे मनाते हैं? सबसे पहले ईदगाह या मस्जिद जाकर नमाज अदा करते हैं। किसके लिए? परवरदिगार को थैंक्स करने के लिए। थैंक्स क्यों? थैंक्स, उन्होंने हमें एक महीने की पूरा रोजा रखने की तौफीक दिलाई है ना। हमें बीमार होते तो हम रोजा नहीं रख सकते, हमें कहीं सफर का हाजत होता तो हम रोजा नहीं रख सकते, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो हम रोजा नहीं रख सकते। अगर ऐसी कोई चीज नहीं हुआ तो उसके लिए क्या किया है? पूरा एक महीने की पाबंदी के साथ रोजा। अब सब रोजा रखे ना, किसी को रोजा टूट गया, गजा है किसी का नहीं है? जोर से बोलो नहीं, जोर से बोलना चाहिए। विजडम का माना क्या है? विजडम के स्टूडेंट है तो सर को देख के डर लगता है क्या? बड़े बड़े दोस्त सर बैठे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो आपको एक महीना पूरा रोजा रखने का मौका मिला, उसके लिए थैंक्स करने का मामला हमें नजर आता है। मगर थैंक्स सिर्फ इसके लिए नहीं, अल्लाह ताला ये फरमाता है कि इस महीने में हमने कुरान नाजिल किया है ना। रोजा किसके लिए फर्ज किए गए? इस महीने में कुरान नाजिल हुआ तो उसके लिए हमने एक महीने के रोजे फर्ज किए हैं। यही बात है ना, कुरान चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 185 का अगर आप मुताला करते हैं तो उसमें आपको मालूम हो जाता है। شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. تو اللہ تعالی نے ہمیں ایک گوڑ گفٹ کے طور پر قرآن دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ قرآن دیا ہے۔ یہ بہت بڑا نعمت ہے قرآن، انسانی دنیا کے لیے بہت بڑا نعمت ہے، اس سے بڑا کوئی نعمت نہیں ہے۔ دو چیز اس دنیا میں فنا نہیں ہوتا۔ अल्लाह ताला कहता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को यहाँ मौत का मजा चखना है ना। और उसके बाद ये भी कहा गया कि कुल्लु अलैहा फान, ये सब फना हो जाए। मगर दो चीज फना नहीं होता, कौन से? एक इंसान का रूह फना नहीं होता, वो जिंदा रहता है। और उसे क्या करता है अल्लाह ताला? आपस आसमानी दुनिया तक ले जाता है ना। और दूसरी चीज ये है किताबुल्लाह, कुरान, कुरान करा नहीं। अल्लाह ताला कहता है कि कुरान का इल्म को जो हम ऊपर ले लेते हैं, जिस तरह ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने ऊपर ले लिया, जिस तरह हमारे रूह को अल्लाह ताला ऊपर लेता है, उसी तरह कुरान का इल्म को भी क्या करता है? अल्लाह ताला ऊपर ले लेता है। तो कुरान में यह भी बात कहा गया है कि कुरान जो नाजिल हुआ है इसके सिलसिले में आपको खुशी मनाना चाहिए, आपको हर दिन ईद करना चाहिए। मगर दो ईदें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बताए। तो ये काम है कि सबसे पहले हम हमारे रब को क्या करें? हम थैंक्स करें। तो इसका सबसे बेहतरीन जरिया अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल ने बताया कि आप नमाज के जरिए उसको थैंक्स करो। दूसरा चीज क्या है? ईद का दिन करने की दूसरी काम यह है कि खुदा से मांगने का है। जो कुछ अल्लाह ताला ने हमने दे रखा है उसका हमने क्या किया? अल्लाह के राह में खर्च किया। अल्लाह के राह में खर्च करने का मतलब यह है कि अल्लाह के बंदों को हमने दे दिया है ना, जकात दे दिया हमने, फितरा दे दिया, हाँ, उसके बाद में इन्फाक किया हमने, सदका किया, कर्ज़े हसना दिया, उश्र दिया, ये सब दिया है। सब देने के लिए कहा गया है अल्लाह ताला आप जो भी दे रखा है उसमें से क्या करो? आप खर्च करो। वो कल इल्म भी हो सकता है, आपका जिस्म भी हो सकता है। अभी आपके पास माल नहीं, आप क्या खर्च करेंगे? आप इल्म खर्च करेंगे। अगर कोई कमजोर है आपके साथ, उसे आप इल्म देंगे, उसे लेकर बैठेंगे आप, बैठो स्कूल के बाद में 10-15 मिनट हम बैठेंगे, तुम जरा वो सवाल का जवाब सही नहीं दे सके, या आपका रेटिंग सही नहीं है, या आपको जरा डर है, तो हम बैठेंगे, जरा गुफ्तगु करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, ये आप दे सकते हैं। ये भी एक देने में आ गया, आपका इल्म आप शेयर करें, या किसी को कॉन्फिडेंस देते हैं, आप कुछ घबराना नहीं, हिम्मत के साथ आगे बढ़ो, नहीं आपका साथ हूँ, ये कॉन्फिडेंस ये भी देना है। या किसी को किताब देते हैं, किसी को पेन देते हैं, और कुछ देते हैं, है ना। आप ये नहीं कि सिर्फ मेरे पास माल है मैं माल नहीं दे सका, नहीं, किसी को अच्छा मशवरा तो दे सकते हैं, कोई गलत काम
तो किसी ने किया आपके दरमियान में, आप मशवरा दे सकते हैं कि ये लाइन काम नहीं करता, तो मेरा दोस्त है, तेरा दोस्त, मुझे शर्म आता है ये काम करने में। अगर कोई किसी से गलत आप देखते हैं, गलत जिससे देखते हैं उसी से बोलने की हुक्म है, दूसरों से बोलने की हुक्म नहीं, ये भी आपको अपनाना चाहिए। अगर किसी को गलत आप देखते हैं तो दूसरों से उसे बोल कर ना दे, उससे बोले तो उसे दोस्त बनाए, वो भी आप दे सकते हैं। यानी अल्लाह का कहने का मतलब ये है कि जो भी हमने आपको दे रखा है उसमें से खर्च करो। वो ईद का दिन जो हम मांगने के दिन है, यानी एक साल का पूरा हिसाब मिल गया मेरे पास कितना है, एक साल का हिसाब ले लिया मैंने, माल है तो माल, तो उसका हिसाब लेकर मैं उस दिन बैठ कर देख तू इतने माल दिया था एक साल में मेरे पास, इतने माल में से इतना माल मैं तेरे राह में खर्च कर चुका हूँ दिया, और उस दिन बैठ कर तो और भी दे, मैं और भी ज्यादा देता हूँ मांगने के दिन। और जिसने लिया है वो भी, जिसने दिया उसके लिए मांगने का दिन है, दो चीज के, जो दिया है उसे भी मांगना है अल्लाह से, और जो दिया है उसे भी मांगना है, और उसे यह भी मांगना है कि मुझे भी कल जो आने वाली ईद है उसमें मुझे भी कुछ देने वाला बना, लेने वाला नहीं बना, मुझे भी देने वाला बना। ये मांगने का दिन है अल्लाह से कि हम ईद इस तरह मनाएंगे, एक थैंक्स पे और दूसरा जो भी अल्लाह ताला दिया है उसे उसके राह में देकर, वो मांगने का दिन है। और तीसरा दिन यह है कि जो भी गलतियां हमारे से हो जाती है ना, हम सब इंसान हैं, अल्लाह ताला पैदा करने में ये बताया कि ये सब गलती के पुतले हैं, ये सब गलत करने के लिए दुनिया में आते हैं, है ना। आदम अलैहि सलाम तो सबसे पहले गलत कर लिए, तो हम सब उनके औलाद हैं, हम भी गलत करते हैं, गलतियां हमारे से हो जाती है। गलत नहीं करने वाले अगर हम होते तो फरिश्ते बन जाते, हम तो फरिश्ते नहीं है। हमारे में दो सिफत अल्लाह ताला ने रखा है, एक फरिश्तों का सिफत भी रखा है, एक शैतानी सिफत भी रखा है, दो सिफत है। कभी हम फरिश्ते बन जाते हैं, मस्जिद जाते हैं तो फरिश्ते बन जाते हैं, क्लास में रहते हैं तो फरिश्ते बन जाते हैं, कभी बाजार में जाते हैं मस्जिद या क्लास से निकल जाते हैं तो कभी शैतान भी बन जाते हैं। दो सिफत है हमारे पास, है क्या नहीं, आपको इसका अंदाजा है ना, कभी अच्छे बन जाते हैं कभी बुरे बन जाते हैं, तो दो सिफत अल्लाह ताला ने रखा है। तो गलतियां हो जाती थी, गलती का माफी मांगने का दिन है ईद। नए कपड़े इसलिए पहनते हैं या अच्छे से अच्छे कपड़े इसलिए पहनते हैं, उसके ऊपर परफ्यूम में आकर इसलिए मलते हैं कि हम दूसरे से जाकर मिले, एक दूसरे से मुसाफा करें, एक दूसरे से गले मिले, एक दूसरे को मोहब्बत करें, एक दूसरे को किस दे, किसका सिस्टम में है ना, पिछाने की किस देना सिस्टम भी है। और दोस्तों का कहना है कि दोस्त मैं तुझे मोहब्बत करता हूँ, आई लव यू, किसे, बॉय बॉय से, गर्ल गर्ल से, बॉय गर्ल को कहता है, गर्ल अगर बॉय को कहता है तो गलती, बॉय बॉय को कहना, गर्ल गर्ल को कहना वो क्या है, वो सवाब का बाइस बनता है, नाम में अमल में लिखने की बाइस बनता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा को बोसा देते थे पिशानी पर, यानी अपने वालिद बेटी से उतना मोहब्बत करते थे, आपके अम्मा अब्बा बोसा देते हैं क्या, आपके पहचान देते हैं, अगर वो नहीं देते हैं तो आप देकर उनको आदत कराना, आपसे आदत शुरू होना है जाके देना अभी आप बोलना, आपके आई लव यू अम्मी, आई लव यू पापा, बोलना चाहिए हमको, क्यों, मोहब्बत वहां से शुरू होता है, मोहब्बत घर से शुरू होता है। अम्मी को ये कहें कि आई लव यू मम्मी, जाके लपेट के पकड़ लो, क्या आज कौन के आए थे एक साहब, उन्हें बोले कि घर को जाने के साथ अम्मी को लपेट के आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा कह, यहाँ से मोहब्बत पैदा हो, घर से मोहब्बत पैदा होना चाहिए। उसी तरह जिससे भी आपको गुस्सा है, कुछ नाराज किए है ना, कुछ तकलीफ आपको पहुंची है, आपसे किसी को तकलीफ पहुंची है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप माफ करो। जो लोगों को माफ करता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें माफ करता है। आप लोगों को अगर माफ नहीं करते तो अल्लाह आपको माफ नहीं करता, अल्लाह का वादा है। आप जिससे भी गुस्सा है, नाराजगी है, परेशानी है, ये तो आपको माफी मांगना चाहिए, क्योंकि मुझे माफ कर दो, सॉरी
सॉरी करने से कोई आदमी छोटा नहीं होता, बड़ा होता। माफी चाहने से कोई आदमी छोटा नहीं, बड़ा होता। उसका दिल में आप जगह बना लेते हैं, ये अच्छा आदमी है, नेक ऐसा कहता है। आपको जिससे भी तकलीफ हो उनसे भी माफी तलब करना, और किसी से आपको तकलीफ हुआ तो उसे भी क्या करना, अल्लाह के वास्ते कहना कि अल्लाह के वास्ते तेरे वास्ते मैं उसे माफ कर दिया, वही क्लेम मेरे पास बाकी है, पेट पूरा क्लीन हो गया, पूरा मैं उसको पूरा रब करके निकाल दिया, कुछ चीज नहीं, अभी साफ व्हाइट पेपर। इसके बाद ये तसव्वुर आना चाहिए, व्हाइट पेपर का तसव्वुर आना चाहिए, कोई चीज बाकी नहीं। यानी दूसरों को माफ करते हुए, दूसरों से माफी चाहते हुए अल्लाह से माफी चाहने का दिन है ईद, है ना। उसी तरह ईद जो है शांति का दिन। शांति जानते हैं आप, शांति का मतलब क्या है? पीस, है ना, क्या पीस, शांति। क्यों शांति है? ये दुनिया में शांति है ना, है क्या नहीं? इंसानी दुनिया में नहीं है, आसमानी दुनिया में तो शांति है। सूरज शांति से निकलता है ग्रुप होता है क्या नहीं? चांद निकलता है ग्रुप होता है क्या नहीं? सितारे गैलेक्सीज निकलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, है ना, पूरा घूम फिर रहे हैं, कोई वो ये फेरा हुआ पानी नहीं है, घूम फिर रहे हैं पूरा, सब क्या क्या लगा रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, सब गर्दिश कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, पूरा गर्दिश कर रहे हैं, कभी उसमें कोताही हुई, कभी कोताही नहीं हुई, क्यों हुई, क्यों नहीं हुई? अल्लाह के हुक्म के पाबंद है इसलिए कोताही हुई। मैं कल बताया कि समंदर में शांति है, पीस है, समंदर के मछलियां है अगर पकड़ना है तो उसके लिए लाखों रुपए डाल के बोट बनाना है, और लाखों रुपए डाल के उसे नेट बनाना है, जाला बनाना है, और कुछ लोग उसमें जाना है, 10 लोग 15 लोग जाना है चलाने के लिए, और जाला छोड़ने के लिए मशीन लगाना है, बोट के लिए मशीन, जाला छोड़ने के लिए मशीन, जाला खींचने के लिए मशीन, उतना उतना बड़ा जाले जो है, नेट जो है वो हाथ में नहीं संभाल सकते, उसको मशीन लगाना है। ये सब करते हैं, डीजल डाल के जाते हैं, मगर आज तक कोई मछली के लिए खाना लेके नहीं गया, गाना लेके नहीं गया, बोट लेके गया, नेट लेके गया, खाना लेके कौन भी नहीं गया, उसे कौन खिलाता है, उसे कौन खिलाता है, इतने सारे मच्छी आते हैं, एक दिन में कई करोड़ डॉलर्स के इनकम जो दुनिया में होता है, इसीलिए कोई खिलाता पिलाता नहीं। और बड़े बड़े मछलियां हैं, छोटे छोटे मछलियां हैं, उनका गिजा क्या है, बड़े मछलियों का गिजा क्या है, वो छोटे मछलियां हैं, मगर कहीं प्रसाद नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ, मछलियां कभी समंदर से आकर ऊपर नहीं आए, ऊपर आके नहीं गिरे, जाके बोट पे पकड़ना पड़ता है, नेट डाल के उसको वो आके नहीं गिरे, किसलिए? वहां जो उसे जो हुक्म दिया गया अल्लाह का हुक्म का पाबंद है। और जंगल में जो जंगली जानवर है वो कभी गांव में नहीं आए, अब इधर इधर आने शुरू हुए गांव में, क्योंकि जंगल का तक छुप कर गया है इंसान, उसने आग लगाने शुरू कर दिया है ना, उसके लिए क्या हुआ, वो गांव में आने शुरू हुआ, नहीं तो कोई जंगली जानवर भी गांव में नहीं आता, वो वहां पर आराम से है, और कोई फसाद भी नहीं हुआ, वो बड़े जानवर का गिजा क्या है, छोटे जानवर है, और कितना चाहिए उतना खा के बाद में सो जाता है ना, रेस्ट करता है, खा के सो जाता है, फसाद नहीं करता, फसाद बर्बाद नहीं करता, उसका जो रिस्क रखा है अल्लाह ताला ने वो खा लेता है और अपने काम करके सो जाता है, और वहां भी जिंदगी बसर कर रहे हैं, जैसे हमें औलाद है वैसे वो जानवरों को भी औलाद है, कीड़े मकड़ों को भी औलाद है, दरिंदे परिंदों को भी औलाद है, सिर्फ औलाद है ही नहीं, उसका देखभाल भी कर रहे हो, उसे खिला रहे हैं, उसे पिला रहे हैं, उसके साथ मोहब्बत कर रहे हैं, उसके साथ बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि चू 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 के जरिए आई लव यू आई लव यू आई लव यू कह रहे हैं, वो अगर नहीं कहता है तो इंसान नहीं कहता है, अगर कोई अगर नहीं कहता है तो आई लव यू इंसान नहीं कहता है, चरिंदे कहते हैं, परिंदे कहते हैं, अल्लाह ताला यहां तक कहता है कि उस सब जितने भी मखलूक हैं उन सब मखलूक को नमाज का तरीका मान, नमाज का तरीका का मतलब अल्लाह को कैसे थैंक्स कहें वो मालूम,
और जितने भी मखलूक हैं सब अल्लाह का तस्बीह बयान कर रहे हैं। कुरान का जुमला है, कुरान का जितने भी मखलूक हैं तस्बीह बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला ये भी कहता है कि जितने भी मखलूक हैं वो सब सजदा रेज है, सजदा करते हैं, उनका जो छांव गिरता है आप अंदाजा लगा सकते हैं वो सब सजदा करते हैं। अगर अल्लाह को कोई सजदा नहीं करता है तो वह इंसान नहीं करता, इंसान बुतों के सामने जाकर सजदा करता है, जानवरों के सामने जाकर सजदा करता है, पहाड़ों के सामने जाकर सजदा करता है, समंदर के सामने जाकर सजदा करता है, जो भी अच्छा चीज मिले उसके सामने सजदा करता है, जो भी जगह डराने वाला चीज मिला अगर सांप मिल गया तो उसे भी सजदा करता है, क्यों तो मुझे दसना नहीं, तेरे से मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, सांप का भी सजदा करता है। सारे मखलूक अल्लाह का सजदा करते हैं, नहीं करते हैं तो इंसान नहीं करते हैं, तो उसलिए यहाँ फसाद है, उसलिए यहाँ बिगाड़ है, उसलिए यहाँ टेंशन है, टेंशन है, कमाने के लिए टेंशन, खाने के लिए टेंशन, जो खाते हैं वो हजम करने के लिए टेंशन, सुबह निकल कर फिर वॉकिंग जाना, कुछ लोगों को खाने का चीज है, खाते खाने के बाद पिघलाने की टेंशन, कुछ लोगों को यह टेंशन है कि खाने के लिए चीज नहीं है टेंशन, जिसके पास है होटल उसे भी टेंशन, जिसके पास नहीं है उसे भी टेंशन, इंसानी दुनिया को छोड़कर अगर बाहर जाइए टेंशन नहीं है, वहां कोई स्कूल्स नहीं, कोई कॉलेजेस नहीं, कोई टीचर्स नहीं, कोई नहीं सीखे नहीं हो, अल्लाह ताला ने जो इल्म दे रखा है बस उतने में ही उसे आपने काम कर रहे हैं, जिंदगी बसर करे, सब हैप्पी है, सब हैप्पी, इंसान हैप्पी इसलिए नहीं है कि वो इन अल्लाह का फरमा बरदार नहीं बना, अल्लाह का पहचान नहीं, जो मेरा रब है, जो मेरा खालिक है, जो मेरा मालिक है, ये पहचान इंसान को नहीं हुआ, जो खिलाने वाला, जो पिलाने वाला, जिलाने वाला, मारने वाला, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो ये भी खुश रहे, ये भी इत्मीनान बख्श रहे, तो ईद के दिन ये है कि आप भी खुश रहें, आप भी अमन शांति के साथ रहें, आप भी पीस के साथ रहें, उस वक्त आपके अंदर पीस आ सकता है कि आप उसका फरमाबरदार बनते हैं, उसका हुक्म पर चलने का वादा करते हैं, कदम उठाते हैं कि मैं उसके हुक्म पर ही चलूंगा, उसके हुक्म के बगैर मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा, ये वादा अगर आप करते हैं तो आपके पास भी अमन आ जाता है, शांति आ जाता है, पीस आ जाता है, ईद पीस का दिन है, और ईद दूसरों को याद करने के दिन है, ये नए कपड़े किसके लिए, ये अच्छे कपड़े किसके लिए, ये परफ्यूम अत्तर किसके लिए, खुशबूदार चीज किसके लिए, हमारे बेटियों को लिपस्टिक किसके लिए, क्रीम किसके लिए, आप लगाते हैं ना कुछ लगाते हैं कुछ नहीं लगाते हैं, शायद आप नहीं लगाते होंगे, आपको मालूम है इल्म है, क्योंकि विजडम के स्टूडेंट हैं आप, विजडम के स्टूडेंट्स को क्रीम की जरूरत नहीं होगी, फेयर एंड लवली जमाने से सुनते आए हैं, फेयर एंड लवली है ना, क्रीम में मशहूर है फेयर एंड लवली, कई खवातीन इतना लगाए इतना लगाए इतना लगाए, दुनिया में आज तक कोई काली गोरी नहीं, क्रीम लगा लगा कर गोरी थी वो काली हो गई, मगर जो काली थी वो गोरी नहीं हुई, मगर फेयर एंड लवली वाला करोड़ों का कमाई कमा ली, ऐसे ही शैम्पू वो ये जितने चीज एक कर दो लगाए 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 लगाए, अगर पैसा बचा कर रखते तो एक कार ले सकते, खैर याद करने ये सब किसके लिए, ईद के दिन किस याद करें, जो गरीब है मेरे फैमिली में उनके पास मां खान के पास सब जाते हैं, गरीब के पास जाए उनको बात करें, उनका तकलीफ भी जाने क्या है क्या परेशानी है, अगर कोई बीमार है तो उनके पास चले उनकी इबादत करें, उनको कॉन्फिडेंस दिलाए उनके लिए दुआ करें, और उनसे दुआ करने के लिए करें, बीमारी की दुआ अल्लाह ताला जल्दी कबूल कर लेते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, आप उनसे दुआ की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे लिए भी दुआ करें,
मुझे जो जितना भी यहाँ सुनते हैं करते मुझे याद नहीं होता, एग्जाम में पेपर लेके बैठती हूँ तो याद नहीं होता, इसलिए याद नहीं होता कि 90% हुआ है आपका, 100% नहीं होता। पहला एक ये आता था स्केल, मालूम आपको, अभी डिजिटल आ गया, पहला स्केल आता था ना, ये बात दरमियान में अभी याद आ गया तो मैं बोल देता हूँ, मुझे जो भी पढ़ता हूँ याद नहीं होता, जो पढ़ता हूँ रात भर पढ़ा सुबह में याद नहीं, मतलब ये है कि वो पूरा 100 ग्राम नहीं हुआ उसमें, वो जो स्केल है वैसा, एक साइड में आप 100 ग्राम का एक पत्थर रखते हैं, दूसरा जगह क्या करते हैं कुछ अनाज रखते हैं, है ना, जब तक वो बराबर बराबर नहीं होता पत्थर नहीं उड़ता। आपका अगर 900 ग्राम भी हो गया तो किलो का पत्थर नहीं उड़ता, 950 हुआ तब भी उड़ता नहीं वो पत्थर, तब भी उड़ता है वो खरीब खरीब आना, यानी आपका जो लेवल है उस लेवल तक आपको उठना पड़ेगा, ऊपर उठना, उठे तो फिर वो बाद में उतर जाता है, फिर इधर ही हो जाता है, फिर स्केल पलटा भाग इधर हो जाता है। तो इस तरह आप ऐसा महसूस ना करें कि मैं पढ़े याद नहीं, पढ़ी याद नहीं, पढ़ी याद नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको और ज्यादा कोशिश करना है और ज्यादा मेहनत करना है। तो एक तो इनको जो हॉस्पिटल में है उनसे जाकर मिलना करना, और ये भी बात है कि कब्रिस्तान को भी विजिट करें आप किसी के लिए, कुछ लोग जाते हैं ना, कुछ लोग एतराज करते हैं, कुछ लोग जाते हैं, आप में से कौन कौन कब्रिस्तान में गए ईद के दिन, हाथ उठाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कब्रिस्तान जाकर दो ड्यूटी से हैं, खवातीन कब्रिस्तान के बाहर ही ठहर कर दुआ कर सकती है ना, मालूम है ना आपको, अंदर नहीं जाना है, बाहर जा सकते हैं, बाहर ठहर सकते हैं, कब्रिस्तान के बाउंड्री के अंदर जाने की इजाजत है, मगर कब्रिस्तान के करीब नहीं जाना, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बाहर ठहर के दो ड्यूटीज बताए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान के सिलसिले में, एक ड्यूटी ये है कि तुम उनके हक में दुआ करो, कुछ लोग उनसे भी मानते हैं बुद्धू लोग अटल जिसके कमजोर है उनसे मानते हैं, उनसे मानने के लिए नहीं, उनको मानने के लिए नहीं है, उनसे नहीं उनको मानने के लिए, किसके पास मांगने के लिए, अल्लाह के पास, वहां जाकर याद करना लास्ट ईद में हम और आप साथ थे, आज नहीं, कितने बुजुर्ग हमारे चले गए, ये कोरोना की वजह से कितने नौजवान भी चले गए, बच्चे बच्चियां भी चले गए, है क्या, उनको याद कर करके, याद कर करके उनको मांगने की दिल है, ये ड्यूटी है कब्रिस्तान जाकर अल्लाह से उनके लिए मांगनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस तरह जिंदे जैसे हम हैं हमें खाने पीने की जरूरत है ना, जिंदे लोगों को खाने पीने की जरूरत है, आपके मरहूमीन जो है उनके लिए आपकी दुआ की जरूरत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब दुआ करते हैं ना अपने वालिदैन के लिए, अपने दादा के लिए, अपने दादा के लिए, दादी के लिए, ना सब दुआ करते हैं, सब याद आते हैं आपको, दुआ करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम ऐसे औलाद छोड़कर जाओ तुम्हारे जाने के बाद वो हाथ उठाकर अल्लाह से मांगे, ऐसे औलाद को छोड़, हम सबको दुआ करना चाहिए, हम उनको देखें या नहीं देखें ये कोई मसला नहीं, अब्बा के लिए अम्मी के लिए जो जिंदे हैं उनके लिए, जो मर गए हैं उनके लिए, दादा दादी नाना नानी जो भी है हमारे फैमिली को, मामों खल्ले फूफा फूफी है ना, आजकल जमाना बदल गया, खाला भी नहीं खालू भी नहीं फूफा भी नहीं फूफी भी नहीं मामू भी नहीं मामी भी नहीं, सब बदल गया, सब कौन है, आंटी अंकल आंटी अंकल, आज का जमाना बदल गया, मगर हमें नहीं बदलना चाहिए, जमाना बदल गया, यानी पहचानने के लिए फुर्सत नहीं, सब आंटी भी अंकल बन गए, और यहाँ खाला का बेटा कौन, फूफू का बेटा कौन, मामू का बेटा कौन, मालूम नहीं, कौन कजिन 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 कजिन, जो भी बोलो कजिन, सब भूल गए हैं, फैमिली सिस्टम जो है इधर बितर हो गया, सिस्टम नहीं रहा फैमिली में, मगर हम वो उम्मत हैं कि हमें उसे उजागर करना है, उसे जिंदा रखना चाहिए, ये कौन है, ये मेरा मामू का बेटा भाई है, ये कौन है, ये मेरे फूफू की बेटी बहन है, इस तरह हम नाम करना चाहिए, तो कजिन 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 को कजिन पे छोड़ देना चाहिए, आंटी और अंकल को आंटी और अंकल पे छोड़ देना चाहिए, उनका हमका मरता था, वो बोलने से मालूम हो जाता है कि अप्पा के फैमिली से रिलेटेड है या अम्मी के फैमिली से रिलेटेड है, बोलने के साथ मालूम होता है,
तो ये रिलेशनशिप भी डेवलप होना चाहिए। और दूसरा काम कब्रिस्तान पे जाकर क्या है, वो याद करना है। लास्ट ईयर होते ईद में इसी ये साल नहीं है, नेक्स्ट ईयर में रहूं या नहीं रहूं, मुझे भी 6 फीट 1.5 फीट है, 6 फीट 72 इंच लंबा और 18 इंच चौड़ा, ज़्यादा चौड़ा ज़्यादा हो तो 2 फीट का स्लैब ला के रखते हैं मस्जिद कमेटी वाले, मुझने नहीं होता, मुझने नहीं होता 1.5 फीट। इसलिए भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवट सुनाने के लिए बताया, बताना नहीं सुनना चाहिए, करवट सुना। और एक ढेला रखते हैं सर के पास, हाथ रखने नहीं, हाथ नीचे, सोने में क्या करते हैं हम, हाथ रखते हैं, इसलिए हाथ रखते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राइट सोते थे और राइट हैंड जो है वो अपने यहाँ रखते हैं, वहाँ हाथ नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ढेला मिट्टी का रख दो, उसका सर दौ नहीं होना चाहिए, उसको भी इज्जत का निगाह होना है। मैयत के साथ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत के साथ बर्ताव करने का हुक्म दिया, सिर्फ जिंदों के लिए नहीं है इज्जत, मरने के बाद भी इज्जत है। नलाना दुलाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, थोड़ा गर्म पानी डालो, हाथ कभी पिंड हो गया, मरने के साथ आप हाथ सही नहीं बांधे, सही पैर नहीं रखे तो क्या होता है, वो टाइट हो जाता है, पिंड नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा थोड़ा गर्म पानी डाल दो, आहिस्ता जैसे आप जिंदे लोगों के साथ बर्ताव करते हैं उसी तरह ट्रीटमेंट आप करें। आप जैसे कोई मैयत का नाम ये उसूल देने जाते हैं क्या, ये ट्रेनिंग करेंगे क्या उसके जरिए आपको, इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग करेंगे जैसे आप उसूल देना मैयत आप में भी करेंगे, आप में भी करेंगे, आप दस के साथ जाना एक टीम बना के, हम उसूल देने वाले हैं, विजडम के स्टूडेंट हैं, हम उसूल देते हैं, करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हो सकता है एक ट्रेनिंग के चार इसके जरिए करने के लिए बोलेंगे हम, आप सब सीख लिए इंशाल्लाह। तो उस तरह से वहाँ जाकर मुझे भी उस समय वो याद करना है, वो याद दिहानी होना चाहिए, हमेशा मौत का याद करते रहना वो दिन है। और ये दिन जो है विजडम का दिन, ईद जो है विजडम, उन्नति प्रगति मुक्ति का दिन है। क्यों, जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करता है वो उसे क्या है, दुनिया और आखिरत में दो जगह भी क्या है, सिग्नल मालूम हुआ ना, वो भिन्न है ना, वो भिन्न हो गया, वो जीत गया। क्यों जीत गया, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मैं जिंदगी बसर करता हूँ, इसका उन्होंने अहद कर लिया। अल्लाह ताला एक कहता है कि टेबल के ऊपर ला के रखी है, अम्मी बना कर रखे, आपा ला कर डाले थे, अम्मी बना कर रेडी रखे, वो मौलवी साहब आजान दे दिए, दर्रा उठने में देरी हुआ था, खाने भी नहीं, गप 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 दो खा लिए और छोड़ दिया। हुआ क्या नहीं आपके साथ, एक दो दिन तो होता है, छोड़ दिया ना आपको, उसको रद्द कर दिया ना, था ना मगर रद्द कर दिया ना आप, उसको रद्द कर दिया, और जैसा हुक्म हुआ खाने का आपने तो पानी तो पी लिया आपने, कहीं भाई रहे वहां गया पानी तो पी लिया, दुआ पढ़ के हो गया मेरा रोजा का, यानी एक सिस्टम ऑफ लाइफ को आप, एक ओबीडियंट लाइफ को आप आ गए, बाउंड्री के अंदर आप आ गए, बाउंड्री के बाहर थे बाउंड्री के अंदर आ गए, हुदूदुल्लाह जो बाउंड्री अल्लाह ताला ने डाल रखा, हुदूदुल्लाह के अंदर आप आ गए, सेफ जोन में आ गया। आपका जोन कौन सा है रमजान में, सेफ जोन में आ गया, डेंजरस जोन में नहीं है, सेफ जोन में आ गए, जो सेफ जोन में आ गया वो कामयाब, कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा, कुरान कहता है जो अपने आत्म कल्प इसे ये दुनिया के बुराइयों से, ये दुनिया की गलतियों से उसे अगर पाक कर लिया, साफ कर लिया, अल्लाह ताला कहता है कि वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया, जैसा जिंदगी हो गया है। एक महीने का ट्रेनिंग हमने ले ली है, उसके बाद में हमने ईद मनाया, ये सारी जिंदगी जो है मेरी और आपकी, ये आखिरत के लिए बनाया, दुनिया में है मगर क्या करना, आखिरत पेश नजर रखकर बनाना है जिंदगी को, मुझे एक दिन जाना है ना, कुछ दिन का मेहमान है, कुछ दिन का मेहमान है, कल बताया मैं आसिफ साहब सुन लिए, सुबह में बटन डाला हूँ वहां कर, अभी रात में मैं निकलता हूँ या दूसरा निकलते, गारंटी नहीं है, क्या गारंटी आपको किसी को है, गारंटी
कोई इंसान ये गारंटी के साथ नहीं जी सकता, ये टेम्पररी है, एक्सप्रेस लाइफ है, कब पे एक्टेंट हो गया ना, अभी रूट कब हो गया ना, है ना। अभी सुबह में मैसेज आया कि कल कोई बच्चों को लेकर एक फैमिली दवे के लिए बैंगलोर गए थे और रात में बसता उनका, कुछ टाइम बच गया, शाम जगह समंदर देखने के लिए गए, समंदर के किनारे गए तो बच्ची तो आ गई, बच्ची को बचाने के लिए अबू गए, बच्ची बाहर हो गई, अबू वो लहर में चले गए, अभी दफन हो रहा है, किसी का कहने की नहीं। आज सुबह में मैं नहाया हूँ, गर्म पानी नहीं मिला, ठंडा पानी में नहा लिया, क्यों इलाका गर्म है आपका, गर्म पानी की जरूरत है, कल मैं खुद नहाऊंगा या दूसरे मुझे गुस्ल नहीं होगी। हमारे और आपको जिंदगी में असर है तो हमें और आपको चेंज होना, चेंज होना है, अल्लाह के नजरों के मुताबिक जिंदगी बसर करने के हमें आहत लेना, यही पैगाम है रमजान का, यही पैगाम है ईद का। ईद इसलिए ये सब चीजें याद दिलाने के लिए आता है, एक महीने का जो ट्रेनिंग है उसके बाद अगर लाइफ स्टाइल चेंज होगा, वो लाइफ स्टाइल जो है वो इस्लामिक स्टाइल होगा, आपको चलते फिरते आते जाते ये समझना चाहिए कि सोसाइटी में अच्छा ये इस्लामी लड़का है, ये इस्लामी लड़की है, हमारा हिजाब देखने के साथ ही आप बड़े खुशी नसीब है, हिजाब को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो दूसरे स्कूल में होता तो आपको हिजाब का प्रॉब्लम होता, टेंशन में आ जाते थे आप, एग्जाम नहीं लिख सकते थे आप, क्यों हिजाब निकालने में ही आपको टेंशन क्रिएट हो जाता है, जो भी पढ़ के गए आपको याद नहीं होता, ऐसे तो आपके जिंदगी में आप खुशहाल लोग हैं, खुश नसीब है ना, एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन मिला है आपको, हमारे बच्चों को ये नसीब नहीं है, कांता हूँ क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में उसमें जाना पड़ता है, यहाँ के नमाज के लिए भी आपको वक्त आप फारिग कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, जुमे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ जुमे के लिए भी इजाज़त लेना, कुछ देर हो गया तो फिर अटेंडेंस नहीं है, बहाना बनाते हैं, हिजाब डालने से बहाना बनाते हैं, नकाब डालने के लिए बहाना, तकलीफ है परेशानी है, मगर वो कोई चीज़ नहीं, मेरा अपील इतना ही है, हम अल्लाह के लिए अल्लाह की जो भी हुकुम है उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की कोशिश कर, ये इल्म जो है ये चिराग है, रोशन चिराग है, रोशन है, इसे जितना ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, मौका है आपके लिए, बाद में मौका नहीं है, ये मौका हाथ से जाने के बाद आप अगर अफसोस करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, आपको जो भी जानना चाहे आपके जो भी टीचर्स हैं यहाँ पर उनसे आप जान सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं, जिस तरह आपको आपके अम्मू और अबू के इज्जत करना है उसी तरह आपके जो भी फैकल्टीज हैं या कि जो भी जिम्मेदार हैं उनका भी इज्जत करना है, उनसे भी मोहब्बत करना है ना, मोहब्बत ऐसा नहीं कि वो मोहब्बत करे तो मैं मोहब्बत करता हूँ, ये सब जानवर भी करते हैं, मगर इंसान वो है कि जो दुश्मन करता है उससे भी मोहब्बत करना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर खाकर भी उनके हाथ में दुआ की, पत्थर खाकर भी उनके हाथ में दुआ की, उनकी उम्मत है, गलत करना उनका काम है, जहर फैलाना उनका काम है, हम स्नेक नहीं बन सकते, हम सांप नहीं बन सकते, वो जहर फैलाते हैं, फैलाने दो, हम जहर निकालने वाले बने, हम मोहब्बत को बांटने वाले बने, मोहब्बत करने वाले बने, मेरा किरदार सोसाइटी में अलग है, मेरा किरदार वो नहीं है, मेरा लाइफ स्टाइल वो नहीं है, मेरा लाइफ स्टाइल मोहम्मद है, मेरा लाइफ स्टाइल मोहम्मद है, ये अर्जन करना चाहिए, इसके मुताबिक जिंदगी को बसर करना चाहिए, बस बहुत खुशी की आप सबसे मिलकर और डिसिप्लिन के साथ रहते हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं की, शायद मैं आपको आज ये वन ग्रेड देता हूँ एकदम के स्टूडेंट्स को, आपको खुशी करने के लिए मैं जहाँ भी ऐसे सभा में बात करता हूँ आपस में बात करते हैं, कुछ 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 होते रहता है, कभी बोलना पड़ता है, आप बात करते हो मैं बात कर बंद करता हूँ, माइक आपको देता हूँ, ऐसा बोलना पड़ता है, आप नहीं किए इसी भी नहीं, इसे बरकरार रखिए, इसे कायम रखिए, है ना, हम उम्मत मुस्लिमान इस सोसाइटी को बताएंगे, इस देश को बताएंगे, हम उम्मत मुस्लिमान, इसी के साथ मैं भी आपके इस ईद में शामिल हूँ, और मुझे भी आप दुआ करना, मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ, है ना, रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अन्तस समीउल अलीम, वा रहमतुक या अरहमर राहिमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकअल्लाह मोहतरम अकबर अली साहब, बहुत काम की बातें, बहुत फ़ायदेमंद बातें सामने आई, शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि अकबर अली साहब के साथ आपकी एक फोटो लें, अकबर अली साहब यहाँ कह रही हैं, हम अकबर अली साहब इधर से फोटो लें।
फिर स्टाफ के साथ देखो, ये हमारे आप बैठी नहीं, पहले ये कर लेंगे उसके उधर जाके प्रोग्राम करता हूँ। आइए हमारे अक्षय कुमार साहब ही हैं, एमएससी जूलॉजी के लेक्चरर हैं, ये बसवा कुमार पाटिल हैं फिजिक्स के हैं, आइए मिलिए, लाइक एक फोटो लियो जी मिल गए फिर ग्रुप फोटो। अक्षय कुमार सर, सलीम सर, अरे ये आईटी सेक्शन के इंचार्ज हैं, अलेंद्र रे बॉयज कैंपस के कैमलर सर, हाँ गेट देख रहे हैं, क्या ठीक है सज्जाद सर, ये मेस के इंचार्ज हैं और ऑफिस असिस्टेंट हैं। आइए हफीज सर, प्रकाश सर, सज्जाद सर, ये हफीज सर हैं, इनमें इंग्लिश हैं, बी प्रकाश सर हैं वो आंध्र से ताल्लुक है आपका, आप रविंद्र रविंद्र गर्जे सर, मैथ्स ऐसे आगे सामने ऐसा आएगा, ये मैथ्स के हैं बहुत स्ट्रांग है, दिखने में जरा वीक दिखते हैं, और एक हमारे मैडम है प्रियंका मिश्र, ये भी मैथ्स, ये हमारे प्रिंसिपल साहब शेख मदार सर हैं, सैयद अली सर मैनेजर हैं, शिव कुमार भी कॉलेज की टीम में है, प्रिंसिपल साहब के साथ पूरा आईटी के टीम है, आठ लोगों पूरा इंटरनेट क्वेश्चन पेपर एग्जाम, ये जावेद सर है, ये जो स्टडी है ना इसके इंचार्ज डिजाइनर है,